दोस्तों पहली बार इस देश में ऐसा कोई पत्रकार आया है जिसने एक हिम्मत की है इस गांधी परिवार से, इस गांधी परिवार से क्वेश्चन करने की, पूछने की, क्योंकि इस गांधी परिवार से इन 70 सालों में देश में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि सवाल कर सकें। इंदिरा गांधी के टाइम में भी अगर किसी ने सवाल करने की कोशिश की तो देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो ठीक वही इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, चाहे वो इसके चीफ मिनिस्टर्स लेवल तक के नेता हों, चाहे इसके बड़े बड़े दिग्गज नेता हों, वो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ झंडा गाड़े खड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने एक सवाल किया, एक जायज सवाल किया कि जिस देश में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पे अगर साधुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो इस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी उनके बारे में एक सिंगल ट्वीट भी क्यों नहीं करती हैं, उनके बारे में संवेदना जाहिर क्यों नहीं करती हैं, क्या हिंदू होना पाप है इस देश में? और अगर जो अर्णब गोस्वामी जैसे ज़बरदस्त पत्रकार हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इस गांधी खानदान से क्वेश्चन कर सके, तो उनके खिलाफ इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? राहुल गांधी वैसे तो बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, लेकिन आज अगर एक पत्रकार अपनी स्पीच, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहा है तो उसके खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हथियार लेके क्यों खड़ी हो गई है? इस सवाल का जवाब हम सबको देना होगा। आज की डेट में पूरा देश, पूरा भारत अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ा है और हम उन बहादुर पत्रकार के साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े हैं कि अगर उन्होंने सवाल किया है तो इस सवाल का जवाब चाहिए देश को। अर्णब गोस्वामी की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता।